हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? रोहित शर्मा बने ऐतिहासिक बल्लेबाज। रोहित शर्मा बने पहले भारत के कप्तान जिन्होंने T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने अभी तक करियर में की है और कप्तान के तौर पर भी वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले। अगर बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली का 1570 रनों का जो कप्तानी में उन्होंने बनाया था T20 क्रिकेट में वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोहित शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 1570 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली अब दूसरे नंबर पे, महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 1112 रन बनाए हैं। यानी रोहित शर्मा भारत के पहले कप्तान बने हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज्यादा रन कप्तानी में बनाए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में ये जबरदस्त कारनामा रोहित शर्मा ने अपने नाम किया है। बहुत ही जबरदस्त रोहित शर्मा बल्लेबाज है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में रोहित शर्मा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। आने वाले इस साल में 1 जून से 29 जून के बीच T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा, इसलिए रोहित शर्मा का फॉर्म भारतीय टीम को बहुत ही जबरदस्त फायदा देगा। अब आने वाले समय में रोहित शर्मा की फॉर्म भारतीय टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी और ये रोहित शर्मा की फॉर्म भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में जबरदस्त फायदा देगी।